और बच्चों कैसे हैं? तो लॉकडाउन में घर पे आपकी पढ़ाई चल रही होगी और भी बहुत सारे कार्य आपके चल रहे होंगे, लेकिन टारगेट बना के रखें कि अगर ईश्वर ने अपॉर्चुनिटी दी है तो आप इसका फायदा लें। मैं भी इसका फायदा ले रहा हूँ और ये एक सुकून की बात है कि मैं जैसे जैसे वीडियोज में बनाना चाह रहा हूँ धीरे धीरे मैं बना ले रहा हूँ। जो बच्चे वर्ब के कॉन्सेप्ट पे मेरी वीडियोस देख रहे होंगे उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, क्योंकि वो मैंने जो वीडियोस बनाई हैं वो मैंने प्रोजेक्टर पे बनाई, तो जब उससे लाइट पड़ रही थी तो प्रोजेक्टर जो था वो शेकिंग अवस्था में आ जा रहा था। प्रोजेक्टर मीन्स उसकी जो लाइट है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की शिकायत है कि वो वीडियो सही नहीं बन रही है, मीन्स प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे ही मैंने इस चीज़ से अनुभव लिया तो मैंने दूसरे ट्रिक से अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे जो एडिटोरियल की वीडियोस हैं या फिर जो एक्सरसाइज के वीडियोस हैं उनमें आपको ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होंगी, साफ सुथरी वीडियो आपको मिल रही है। तो सब चीज़ें इंसान अनुभव से सीखता है, तो आप भी इस अनुभव का फायदा लें और घर पे रह करके अच्छे से मेरा एडिटोरियल पढ़ें और भी जो वीडियोस आपको देखनी हो जो टीचर्स पढ़ा रहे हो उनका फायदा लें, ताकि जैसे ही लॉकडाउन हटे तो आप बेहतर तरीके की प्रिपरेशन के साथ अपने एग्जाम्स में उपस्थित हो। ठीक है, इसी आशा और विश्वास के साथ शुरुआत करते हैं। ये मेरा आज का थर्ड सेशन है मेरा, जिसमें एक चीज आप देखें मैंने जोड़ी हुई है। हाँ, मैं एक और चीज बता दूं आपको कि मेरा टेलीग्राम का चैनल बन चुका है, तो मैं उसका लिंक यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ, मीन्स एड्रेस मैं दे रहा हूँ आप उसको। मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा फेसबुक पे, वहां से भी ले सकते हैं, यूट्यूब पे भी शेयर कर दूंगा, लेकिन यहां से आप देख लें मैं लिख दे रहा हूँ, इससे अगर कोई एड्रेस लेना चाहता हो तो वो ले सकता है। ये देख लें, सुपर 60 संतोष, इस नाम से आप मतलब इस लिंक से अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। वैसे मैं जल्दी फेसबुक पे आजकल में मैं शेयर कर दूँ, वहां से भी आप ले सकते हैं। तो बच्चों आज का हमारा जो एडिटोरियल है उसकी कुछ खास बातें हैं। खास बातें ये हैं कि आज के एडिटोरियल के साथ मैं और एक उड़ान आगे बढ़ रहा हूँ, मीन्स कुछ चीजें मैंने जोड़ी हैं, क्योंकि मैं रोज सोचता हूँ कि किस तरीके से मैं आपके काम आ सकूँ, मीन्स आप अपने कंपटीशन में सफल हो सके। तो आज से आप देख रहे होंगे मैंने ये चार चीजें जोड़ी। पहला वर्ड ऑफ द डे, अर्थात उस एडिटोरियल का जो मेन वर्ड हो, अच्छा वर्ड हो, वो दे दें हम। नेक्स्ट फ्रेज ऑफ द डे, एक फ्रेज जो इंपॉर्टेंट हो आपके लिए वो दे दें। इडियम ऑफ द डे, जो उसमें इडियम हो वो दे दें। और ग्रामर टिप्स, यानी अब मैं आपको विद रूल ये समझाता जाऊंगा कि इस एडिटोरियल में आपने क्या पाया, यानी इस एडिटोरियल को पढ़ करके आपको क्या फायदा हुआ, ये चीज अब हर एडिटोरियल में आपकी एडिट हो जाए। ठीक है, जो अच्छी चीज है। तो हर बार की तरह पहले पहले वर्ड्स देख लेते हैं इस एडिटोरियल का, और ये देख लेते हैं पहले एडिटोरियल किस चीज पे है। ये एडिटोरियल अभी 28 अप्रैल का, यानी कल ही का है, तो आप लेटेस्ट एक तरह से आप पढ़ सकते हैं। आपका एडिटोरियल है वर्चुअल येट ओपन ऑन नेशन वाइड लॉकडाउन, यानी लॉकडाउन पे ये भी है। द सिचुएशन फोर्स्ड बाय द लॉकडाउन मस्ट बी यूज्ड टू इम्प्रूव जुडिशियल प्रोसेसेस। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारे वर्ड्स हैं जो हमारे काम में आते हैं। ये आपकी वर्ड ऑफ द डे, फिर फ्रेज ऑफ द डे और इडियम ऑफ द डे और ये ग्रामर टिप्स, इन पे आगे मैं आऊंगा, लेकिन पहले ये वर्ड्स देख लें आप, इंपॉर्टेंट वर्ड्स। पहला ही वर्ड है आपका लॉकडाउन। लॉकडाउन आप समझते हैं, लेकिन इसे इंग्लिश में समझा दे रहा हूं। शटिंग डाउन फ्लाइट्स, ट्रेन्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बहुत सारी जो एक्स्ट्रा जो शॉप्स वगैरह होती, इन सारी जो चीजें बंद हो जाती वो लॉकडाउन की अवस्था होती है। या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, यानी रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस हो जाती है इंस्टीट्यूटेड एज अ सिक्योरिटी मेजर, क्योंकि कहीं कहीं सुरक्षा के उपाय करने होते हैं, इसलिए जो पब्लिक की पहुंच होती है वो एक्सेस जो होती है उसे सीमित कर दिया जाता है कि आप अपने घरों तक रहें। तो ये लॉकडाउन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपका था प्रोसीडिंग्स, है ना। प्रोसीडिंग्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आप अदालत की कार्यवाही को आप समझते हैं, तो जो अदालत की कार्यवाही होती है ना उसे प्रोसीडिंग्स कहते हैं। तो प्रोसीडिंग्स मीन्स
ये देख लें, एक्टिविटीज कह सकते हैं आप, या अदालत के सेंस में लीगल एक्शन जो होते हैं वो प्रोसीडिंग्स होते हैं, मीन्स अदालती कार्यवाही कह सकते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड है आपका नॉर्मल। वैसे नॉर्मल आप जानते हैं साधारण होता है, लेकिन यहां पे नॉर्मल मीन्स एक प्रैक्टिस, एक प्रथा जो होती वो, जैसे न्यू नॉर्म्स या न्यू नॉर्मल्स, ठीक है, ये आपकी प्रथा के सेंस में होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका लिटिगेंट। लिटिगेंट आप जानते होंगे डिस्कर्सिव या इन्वॉल्व्ड इन अ लॉसूट। लॉसूट मीन्स मुकदमा होते हैं, जो किसी मुकदमे में इन्वॉल्व्ड होता है वो क्या होता है, मुकदमेबाज होता है, मीन्स लिटिगेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, सारी वर्ड्स इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें नेक्स्ट वर्ड है आपका डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्या होते हैं, जो चीज डिफरेंट हो, अनलाइक हो, मीन्स भिन्न हो, अलग हो, या स्पेसिफिक हो, मीन्स विशेष हो, वो क्या है, डिस्टिंक्ट है। तो डिस्टिंक्ट मीन्स भिन्न या विशेष। नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉन्ग्रीगेशन। जैसे कहीं पे छोटी मोटी भीड़ होती है ना, उसे गैदरिंग कहते हैं, ठीक है। कहीं पे बिना मकसद के भीड़ होती है तो उसे क्राउड कहते हैं। एक मकसद के साथ अगर भीड़ इकट्ठी होती है तो उसे असेंबली या पार्लियामेंट कहते हैं। यदि भागते हुए भीड़ होती है तो उसे रश कहते हैं। यदि वो भागते हुए भीड़ उपद्रव कर रही है तो उसे रैबल कहते हैं। यदि वो भागती हुई भीड़ लूटपाट कर रही है, हिंसा कर रही है, तो उसे मॉब कहते हैं। यदि धार्मिक रूप से कहीं भीड़, मीन्स सम्मेलन वगैरह जैसे आप कहते हैं ना, वो मंडली के रूप में या फिर समागम के रूप में अगर कहीं भीड़ इकट्ठी हुई है तो उसे कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं, ठीक है। इस सारे मीन्स भीड़ होता है, लेकिन इनके अलग अलग क्या है, अर्थ है। तो कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है, गैदरिंग या असेंबली या क्राउड या मास, मीन्स कोई जन समूह, कोई भीड़, कोई जमघट, कोई मंडली, कोई समागम, ये कॉन्ग्रीगेशन होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका रेटिफाई। इंपॉर्टेंट वर्ड है, रेटिफाई मीन्स सॉलिडिफाई, जब आप किसी चीज को पुष्ट करते हो, डिटरमिन उसे दृढ़ कर देते हो, एंडोर्स उस चीज का समर्थन करते हो, तो आप उसे रेटिफाई करते हैं, मीन्स कन्फर्म करते हैं आप, पुष्ट करना, दृढ़ करना या समर्थन करना। नेक्स्ट वर्ड्स आपके पास हैं कुछ, ये वाइटल। वाइटल आप पहले से भी जानते होंगे, वाइटल मीन्स कोई चीज जो महत्वपूर्ण होती है, जीवनदायक होती है, वो वाइटल होती है। वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका, क्रूशियल हो जाएगा या फेटफुल हो जाएगा, मीन्स महत्वपूर्ण हो जाएगा वाइटल। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टेप अप। स्टेप अप मीन्स ऊपर चढ़ना, मीन्स एक कदम आगे बढ़ना। तो स्टेप अप टू इंक्रीज, टू एडवांस, मीन्स आगे बढ़ना, आगे आना या किसी अवस्था के लिए बेहतर होना। अगर कोई स्टेप डाउन कर रहा है तो वो नीचे की तरफ जा रहा है, स्टेप अप कर रहा है तो एडवांस यानी ऊपर की तरफ जा रहा है। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपका है स्पीड अप। ये भी आपका जो स्टेप अप है ये भी आपका एक फ्रेज है, और जो स्पीड अप है वो भी एक फ्रेज है। अभी जो कल 7 से 8 वर्ब का कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे थे तो उसमें भी स्पीड अप दिया गया था। तो स्पीड अप मीन्स एन इंक्रीज इन स्पीड, मीन्स तेजी। फिर नेक्स्ट वर्ड आपका है अलोकेशन। अलोकेशन क्या होता है, जब किसी चीज का निर्धारण कर दिया जाता है, उसका आवंटन कर दिया जाता है, उसका बंटवारा कर दिया जाता है, तो वो अलोकेशन होता है। ये अलोकेट से बनाए, में निर्धारण करना, आवंटित करना, बंटवारा करना। और लास्ट वर्ड है यूटिलाइज। यूटिलाइज आप वैसे भी यूज करते होंगे, हमें अपने हर एक पल को यूटिलाइज करना चाहिए, मीन्स उसका क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, अर्थात अप्लाई करना चाहिए, इम्प्लाई करना चाहिए, यूज करना चाहिए, या PLOY बेहतर होगा, अप्लाई। तो ये इतने सारे वर्ड्स हैं आपके पास जो आप देख रहे होंगे। और अब हम आते हैं ऊपर, देखिए बच्चों, ये आज से मैंने ग्रामर टिप्स के नाम से शुरू किया ताकि आपको पढ़ने का फायदा मिले। जल्दी से एक कर्सरी लुक देख लें आप। पहला टिप है, कोई भी मॉडल हो, कोई भी मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो एक्टिव वॉयस, अर्थात तो उसमें सब्जेक्ट कार्य कर रहा है। कोई भी मॉडल हो, कोई भी मॉडल, ये है ना, कोई भी मॉडल हो, उसके साथ बी हो और वर्ब की
थर्ड फॉर्म हो तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो पैसिव वॉच का होता है, अर्थात उसमें सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा है, उसमें सब्जेक्ट पर कार्य किया जा रहा हो रहा है। तीसरी टिप थी आपकी, अगर टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है ना, तो ये जो टू है इस टू का जो अर्थ होता है वो जरूरत से ज्यादा होता है। लेकिन अगर उस टू से पहले आपको नाउन या प्रोनाउन दिया गया हो तो उस टू का अर्थ जरूरत से ज्यादा नहीं होता है बच्चों, उस टू का अर्थ होता है भी एक एडवर्ब के रूप में, ठीक है। और लास्ट टिप है एमंग, अगर आप एमंग ले रहे हैं तो एमंग के साथ आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन लेना होगा, लेकिन अगर एमिड ले रहे हो तो एमिड के साथ आपको अनकाउंटेबल नाउन लेना होगा, ठीक है। फिर से एमंग अगर ले रहे हो तो उसके साथ नॉर्मली प्लूरल काउंटेबल नाउन लेना होगा, और एमिड ले रहे हो तो उसके साथ नॉर्मली आपको अनकाउंटेबल नाउन लेना होगा। और इसका तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है, देखें यहां पे एग्जाम्पल मैंने दिया आपको दो, द कॉटेज वॉज हिडन, यानी वो कॉटेज छिपी हुई थी एमंग द ट्रीज, इनके बीच पेड़ों के बीच। यहां देखिए ट्रीज क्या है ना आपका प्लूरल है, तो आपने क्या लगाया एमंग, लेकिन यहां देखें द थीफ मैनेज्ड टू एस्केप, यानी वो जो चोर था किसी तरह भागने में सफल रहा एमिड द केओस, केओस मीन्स अफरा तफरी, मीन्स बहुत ज्यादा अव्यवस्था फैल जाए, अफरा तफरी हो वहां पे केओस होता है, केओस से ही केओटिक बना है, ठीक है, अव्यवस्थित। चलिए बच्चों, फिर आपको एमंग और एमिड का फर्क समझ में आ गया होगा कि दोनों में जो अंतर है वो क्या अंतर है, कि एमंग के साथ आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन लेना होता है और एमिड के साथ आपको अनकाउंटेबल नाउन लेना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये ईडियम आज का आपका है, ईडियम है आपका पुट इन प्लेस, पुट इन प्लेस मीन्स स्थापित करना, किसी चीज पर लागू करना होता है, टू establish और इम्प्लीमेंट, लागू करना। मैंने एग्जाम्पल भी दिया, अ सिस्टम बेस्ड ऑन अलोकेशन ऑफ टाइम स्लॉट्स फॉर ओरल arguments कैन बी पुट इन प्लेस, यानी उसे लागू किया जा सकता है। ये idiom था आपका, और नेक्स्ट अपना देख लें हम, ये आज की हमारी फ्रेज है, एक फ्रेज है लेकिन इसके तीन तीन अर्थ थे, तो मैंने तीनों आपको दिया। फ्रेज है ले डाउन, ले डाउन मीन्स होता है टू असर्ट आर कमांड डॉगमेटिकली, किसी चीज को निर्धारित करना, उसे स्थापित करना, ले डाउन होता है, दे लेड डाउन द लॉ, अर्थात उन्होंने कानून को निर्धारित किया। नेक्स्ट इसी का ले डाउन का ही अर्थ होता है टू गिव अप या सरेंडर, अर्थात समर्पण कर देना, हार मान लेना, हथियार डाल देना, मीन्स समर्पण करना या हार मान लेना। इसका भी एग्जाम्पल दिया मैंने, You should lay down your arms, यानी आपको अपने हथियार क्या कर देने चाहिए, समर्पण कर देने चाहिए। और इसका एक और अर्थ था बच्चों, देख लें, ये है to store, यानी to store या to preserve, मीन सुरक्षित रखना, they laid down a young wine, अर्थात अभी भी जो उन्होंने शराब खरीदी थी उसे उन्होंने क्या कर दिया, सुरक्षित रख दिया, ठीक है। अब हमारे पास है ये चीज, देख लें लास्ट वर्ड, वर्ड ऑफ द डे आज का है वर्चुअल, वर्चुअल मीन्स जो कंप्यूटर से संबंधित होता है, इस एट्रोल के लिहाज से वो वर्चुअल होता है, ठीक है। जैसे वर्चुअल कॉन्ग्रीगेशन हो, मीन्स वास्तव में लोग नहीं है लेकिन उन्हें कंप्यूटर पर आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, दिस इज वर्चुअल। अब हमारे सामने हमारा एडिटोरियल है, ये है बच्चों, शुरू करते हैं, आप ये आराम से पढ़ें और समझते जाएं ताकि ये चीजें आपके एग्जाम्स में काम आए, आपको पढ़ना आ जाए। देखें वर्चुअल यानी ये कंप्यूटराइज्ड है, यानी कंप्यूटर पे ही सब कुछ दिख रहा है, हो रहा है, येट ओपन फिर भी खुला हुआ है, यानी एक तरह से वर्चुअल है, आभासी है, यानी दिख नहीं रहा है लेकिन खुला हुआ है। ऑन नेशनल लॉकडाउन, और ये पूरा एडिटोरियल जो है वो नेशनल लॉकडाउन पर है, जिसमें कोर्ट की बात की जा रही है आपसे, कि कोर्ट्स खुल नहीं रही हैं फिर भी खुली हुई हैं,
क्योंकि वो वर्चुअली खुली हुई हैं, अर्थात सारी चीजें कंप्यूटराइज्ड हो रही हैं। देखें, द सिचुएशन फोर्स्ड बाय द लॉकडाउन, मैंने आपको पहले एटोरियल में कहा था कि जब भी किसी नाउन के साथ पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाए बिना वर्ब के, तुरंत वहां पे उसके हिसाब से आप विच, दैट या हु का प्रयोग कर ले। ऐसे देखें, यानी द सिचुएशन वो स्थिति विच इज फोर्स्ड बाय द लॉकडाउन, जो उस लॉकडाउन के द्वारा क्या की गई है, मजबूर की गई, फोर्स की गई है, वो सिचुएशन मस्ट बी यूज्ड, पैसिव वॉइस देखिए है, मस्ट बी यूज्ड, उस स्थिति का उपयोग किया जाना चाहिए टू इंप्रूव, सुधारने के लिए जुडिशियल प्रोसेसेस, किसको, न्यायिक प्रक्रियाओं को। यानी द सिचुएशन फोर्स बाय द लॉकडाउन, यानी सिचुएशन हम चाहते नहीं थे, ये सिचुएशन हम पर किसके द्वारा थोपी गई, किसके द्वारा जबरदस्ती लादा गया है, इस लॉकडाउन के द्वारा, लेकिन इस सिचुएशन को मस्ट बी यूज्ड, इसका निश्चित ही उपयोग किया जाना चाहिए टू इंप्रूव, सुधार ले आने के लिए जुडिशियल प्रोसेसेस, किनमें, न्यायिक प्रक्रियाओं में। ये आपकी हेडिंग है एडिटोरियल जिसपे आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखें आंश, पहला ही वर्ड एमिड या एमएस, एमिड और एमएस दोनों एक ही होता है, जैसे एमंग और एमंगस्ट होता है वैसे एमिड और एमएस होता है। जैसे एमंग और एमंगस्ट में फर्क होता है कि एमंग के बाद आपको कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड चाहिए और एमंगस्ट के बाद वावेल और कॉन्सोनेंट दोनों साउंड ले सकते हैं, वैसे ही एमिड के साथ आप कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड लीजिए और एमिड्स के साथ दोनों ले सकते हैं, मीन्स कॉन्सोनेंट भी ले सकते हैं और वॉवल साउंड भी ले सकते हैं। तो जैसे एमिड्स के बाद देखिए द है, मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड है, अगर यहां पे वॉवल साउंड होता तो भी सही होता। तो एमिड्स द नेशनल लॉकडाउन, एमिड्स मीन्स के बीच, यानी द नेशनल लॉकडाउन यानी इस राष्ट्रीय लॉकडाउन के बीच द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, देखिए फिर से द लगाना सुप्रीम कोर्ट के पहले, द सुप्रीम कोर्ट एंड सेवरल अदर कोर्ट्स, और कई सारी अन्य जो अदालतें हैं, हैव बीन होल्डिंग, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैव बीन होल्डिंग वर्चुअल प्रोसीडिंग्स, ये कैसी कार्यवाही कर रही हैं, वर्चुअल यानी कंप्यूटराइज्ड, यानी उन लोगों के साथ इनकी कार्यवाहियां चल रही हैं जिनको ये देख नहीं सकते हैं, लेकिन कंप्यूटराइज्ड या डिजिटल सिस्टम के द्वारा उन्हें देखा जा सकता है। फिर से देखें, करें एमिड्स द नेशनल लॉकडाउन, यानी इस नेशनल लॉकडाउन के बीच, इस नेशनल लॉकडाउन के बीच द सुप्रीम कोर्ट एंड सेवरल अदर कोर्ट्स, जो सुप्रीम कोर्ट है और जो अन्य बहुत सारी अदालतें हैं, वो अदालतें हैव बीन होल्डिंग वर्चुअल प्रोसीडिंग्स, ये कैसी कार्यवाहियां कर रही हैं, वर्चुअल मीन्स आभासी, अर्थात लोग वहां आ नहीं रहे लेकिन कार्यवाहियां अदालतों की चल रही हैं। अ क्वेश्चन ऑफ कंसर्न, कंसर्न मीन्स चिंता, अ क्वेश्चन ऑफ कंसर्न यानी चिंता का जो एक प्रश्न है, टू द बार, किसके लिए, बार के लिए, मीन्स जो वकीलों का एसोसिएशन होता है उसे बार कहते हैं। तो अ क्वेश्चन ऑफ कंसर्न टू द बार, यानी बार के लिए जो चिंता की बात है, इज वो है, क्या है, वेदर कि क्या वर्चुअल कोर्ट्स कि क्या ये आभासी अदालतें जो हैव बिकम द न्यू नॉर्मल, क्या ये जो आभासी अदालतें हैं क्या अब ये एक न्यू नॉर्मल हो गई, यानी क्या अब ये नई प्रथा हो गई है, एंड और वेदर और क्या इट मीन्स कि क्या इसका ये मतलब है कि अ मूव अवे कि हम कहीं आगे बढ़ रहे हैं फ्रॉम द आइडिया ऑफ ओपन कोर्ट्स, यानी जो खुली अदालतें होती थी उनसे मूव अवे कर रहे हैं, मीन्स उनसे हम आगे बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स किसकी तरफ, टेक्नोलॉजी बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी टेक्नोलॉजी बेस्ड तकनीकी आधारित एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी न्याय की जो व्यवस्था है, प्रणाली है, प्रशासन है, नियंत्रण है, विदाउट द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ लायर्स, जिसमें लायर्स सामने नहीं होंगे एंड लिटिगेंट्स और जो मुकदमेबाज यानी प्रतिवादी होंगे वो भी सामने नहीं होंगे।
क्या हम ऐसी व्यवस्था की तरफ मूव अवे कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं? फिर से देख ले बच्चों, देख करें अ क्वेश्चन ऑफ कंसर्न, यानी एक प्रश्न जो है, अ क्वेश्चन ऑफ कंसर्न यानी चिंता की जो बात है, प्रश्न है, टू द बार, किसके लिए? वकीलों के संगठन के लिए, इज वो ये है कि वेदर कि क्या वर्चुअल कोर्स है बिकम द न्यू नॉर्मल, कि क्या वर्चुअल कोर्स जो है अब वो एक नई प्रथा के रूप में, नए सिस्टम के रूप में आ रही है, एंड और वेदर इट मींस अ मूव अवे फ्रॉम द आइडिया, और क्या इसका यह मतलब है कि हम एक ऐसे विचार से आगे बढ़ रहे हैं ऑफ ओपन कोर्ट, जो विचार खुली अदालतों का है, टूवर्ड्स, और किस तरफ बढ़ रहे हैं? टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी न्याय की एक ऐसी व्यवस्था की तरफ हम बढ़ रहे हैं जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, मीन्स तकनीक आधारित है, विदाउट द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ लायर्स, जिस व्यवस्था में, जिस प्रणाली में न तो वकीलों की उपस्थिति की आवश्यकता है और न ही उनके मुवक्किलों की अर्थात मुकदमेबाजों की उपस्थिति की आवश्यकता है। यानी एडिटर कह रहे हैं कि क्या हम एक ऐसी व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें अब वकीलों को और मुकदमेबाजों को कोर्स में आने की कोई आवश्यकता न पड़ेगी। देखें आगे, करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, एस ए बोबड़े जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, इम्फेसाइज मीन्स किसी चीज पर जोर देना, बल देना, यानी वो इस चीज पर जोर देते हैं दैट कि वर्चुअल कोर्स आर ओपन कोर्स टू, कि जो लोग वर्चुअल कोर्स को नहीं समझ पा रहे हैं वो वर्चुअल कोर्स वास्तव में ओपन कोर्स की तरह भी काम कर सकते हैं। ये कौन कह रहे हैं? ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबड़े कह रहे हैं, जो इम्फेसाइज कर रहे हैं इस चीज को, एंड दैट, और ये भी वो कह रहे हैं, वन कैन नॉट डिस्क्राइब देम एज, बच्चों जब भी डिस्क्राइब का प्रयोग है, जब भी डिस्कस का प्रयोग है, जब भी डिफाइन का प्रयोग है, जब भी मेंशन का प्रयोग है, जब भी ट्रीट का प्रयोग है, जब भी पोर्ट्री का प्रयोग है, इस तरह के वर्ड्स के साथ, जब भी डिपिक्ट का प्रयोग है, इनके साथ जिस रूप में आप इनका प्रयोग कर रहे हैं उसके साथ क्या ले लें? एस का प्रयोग कर लें। फिर से देखें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी जो इंडिया के चीफ जस्टिस हैं, एस ए बोबड़े इम्फेसाइजेस, वो जोर देकर कहते हैं दैट की वर्चुअल कोर्ट्स, ये जो आभासी अदालतें हैं, आर ओपन कोर्ट्स टू। अभी मैंने ऊपर कहा था टू मीन्स भी होता है जब वो नाउन के बाद, यानी ऐसी अदालतें वर्चुअल कोर्ट जो हैं वो ओपन कोर्ट्स भी हैं, मीन्स खुली हुई अदालतें भी हैं, एंड दैट, और ये बात भी कि वन कैन नॉट डिस्क्राइब देम एज क्लोज्ड, आप ऐसी वर्चुअल कोर्ट्स को क्लोज्ड कह करके वर्णन नहीं कर सकते हैं, आर या फिर इन कैमरा प्रोसीडिंग्स, या ये भी नहीं कह सकते हैं कि केवल कैमरे के सामने सारी कार्यवाहियां हो रही हैं। ये कौन कह रहा है? एस ए बोबड़े, मीन्स जो हमारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, पढ़ना सीखें धीरे धीरे, समय लगेगा बट पढ़ देंगे, एक बार समझने लगेंगे कुछ स्ट्रक्चर्स को तो आपके लिए आसान हो जाएगा। देखें बच्चों, करें द करेक्ट वे ऑफ फ्रेमिंग द डिफरेंस, ही सेज मीन्स एस ए बोबड़े जी कह रहे हैं, यानी एस ए बोबड़े जी कहते हैं कि द करेक्ट वे ऑफ फ्रेमिंग द डिफरेंस, यानी वास्तव में जो उनके बीच अंतर करने का एक ढांचा हो सकता है, इज वो क्या हो सकता है? इज टू कॉल देम वर्चुअल कोर्स, आप उन्हें क्या कहें? वर्चुअल कोर्स कहें, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम कोर्स इन कॉन्ग्रीगेशन, ऐसी अदालतों से अलग, डिस्टिंक्ट मीन्स अलग, भिन्न, ऐसी अदालतों से अलग जो अदालतें कोर्स इन कॉन्ग्रीगेशन, जिन अदालतों में लोगों का जमघट, उनका जमघट लगा होता है, ऐसी अदालतों से आप उन्हें कह सकते हैं कि वर्चुअल कोर्स क्या है? डिस्टिंक्ट है, मीन्स अलग है, भिन्न है। फिर से लाइन देख ले बच्चों, देखें, करें द करेक्ट वे ऑफ
फ्रेमिंग द डिफरेंस ही से, जब भी दो कामा के बीच में कोई चीज होती है उसे पहले पढ़ लेते हैं। यानी वो कहते हैं कि द करेक्ट वे ऑफ फ्रेमिंग द डिफरेंस, यानी वास्तव में अगर आप उन्हें सही तरीके से अंतर करना चाहते हैं तो इज टू कॉल देम वर्चुअल कोर्स। तो आप उन्हें इसलिए वर्चुअल कोर्स कह सकते हैं एज अ डिस्टिंक्ट, क्योंकि वो अलग हैं फ्रॉम कोर्स इन कॉन्ग्रीगेशन, ऐसी अदालतों से जिन अदालतों में लोगों की क्या जमा होती है, भीड़ जमा होती, जमघट लगता है। ठीक है, समझ रहे होंगे, आगे बढ़े बच्चों। अ थ्री जज बेंच, याद हो गया होगा बच्चों आपको ये, कि यहां पे आप थ्री जजेस नहीं ले सकते क्योंकि एक कंपाउंड नाउन है। अ थ्री जज बेंच हेडेड बाई, ये हेडेड बाई भी समझ गए होंगे, आप पैसिव वॉच में ना, तो आप इसे ऐसे पढ़ें। अ थ्री जज बेंच विच वॉज हेडेड बाई, यानी जो जिसकी अगुवाई की थी, यानी अ थ्री जज बेंच, एक तीन जजेस की जो बेंच थी, हेडेड बाई द सीजीआई, जिसके अध्यक्ष की अध्यक्षता में जो आयोजित हुई थी, सीजीआई की मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई में हुई थी, इन एन ऑर्डर अर्लियर दिस मंथ, जो इसी महीने एक ऑर्डर में लेड डाउन, उन्होंने निर्धारित किया, स्थापित किया ब्रॉड नॉर्म्स, कुछ ब्रॉड नॉर्म्स, विस्तृत नियम कायदों को, कानून कायदे कानूनों को, फॉर कोर्स, ऐसी अदालतों के लिए, यूजिंग, जो अदालतें यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, एंड रेटिफाइड द वैलिडिटी ऑफ वर्चुअल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ये लाइन फिर से देखें बच्चों, थोड़ा सा अलग हो गया, देखें, कह रहे हैं थ्री जज बेंच, यानी तीन जजों वाली बेंच जो थी, पीठ जो थी, हेडेड बाय द सीजीआई, जो किसके द्वारा हेड की गई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, सीजीआई ने की थी, इन एन ऑर्डर अर्लियर दिस मंथ, यानी एक आदेश में इसी महीने कुछ समय पहले, उस तीन जजों वाली बेंच ने लेड डाउन ब्रॉड नॉर्म्स, उसने कुछ कायदे कानूनों को स्थापित किया था, कानून को स्थापित किया था, कुछ नियमों को स्थापित किया था, फॉर कोर्स, किनके लिए, उन कोर्स के लिए, यानी कोर्स के लिए उन्होंने कुछ नियम कायदे स्थापित किए थे, और ये नियम कायदे उन्होंने कैसे स्थापित किया था, तीन जजों वाली बेंच ने, यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, किसके द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, यानी यही पे वर्चुअल एक तरह से आ गया ना, यानी वो मिले नहीं, यानी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उन्होंने कुछ नियम, कुछ कायदे कानून बनाए थे, एंड और रेटिफाइड द वैलिडिटी ऑफ वर्चुअल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, रेटिफाइड मीन्स समर्थन करना, और उन्होंने समर्थन किया था द वैलिडिटी, वैधानिकता को, ऑफ वर्चुअल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, यानी आभासी न्यायिक प्रक्रियाओं का। फिर से देखें, यानी उन्होंने क्या किया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कुछ नियम कायदे बनाए, एंड रेटिफाइड द वैलिडिटी, और इस वैधता को पुष्ट किया, समर्थन किया, ऑफ वर्चुअल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, कि अब जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो लॉकडाउन के दौरान, वो प्रोसीडिंग्स कैसी हो, वर्चुअल हो, अर्थात कंप्यूटराइज्ड हो, डिजिटल हो। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करें टू एस्पेक्ट्स, दो पहलू आर नॉट इन डिस्प्यूट, जिन पर कोई भी विवाद नहीं, दो पहलू जिन पर कोई विवाद नहीं, कौन कौन से, द वाइटल नेसेसिटी टू कीप द कोर्स ओपन, यानी एक महत्वपूर्ण जरूरत है, बहुत अधिक जरूरत है कि कोर्स क्या रहे, खुली रहे, इवन ड्यूरिंग अ नेशनल लॉकडाउन, किस दौरान, राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान भी, सो दैट मीन्स ताकि एक्सेस टू जस्टिस, ताकि अगर कोई न्याय प्राप्त करना चाहता है, इज नॉट डिनाइड टू एनीवन, तो उस न्याय से कोई भी वंचित तो न रह जाए, यानी हर किसी को क्या मिले, न्याय मिले, ये पहली चीज है जिस पर कोई विवाद नहीं हो सकता है। ठीक है, और आगे बढ़े बच्चों, एंड सेकेंड, और दूसरी चीज क्या है जिस पर विवाद नहीं हो सकता है, द नीड टू मेंटेन फिजिकल
डिस्टेंसिंग, जिसे आप सोशल डिस्टेंसिंग कह रहे हैं ना। तो दूसरी चीज ये है कि जरूरत है कि हम फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, अर्थात एक दूसरे से क्या बनाए रखें, हम दूरी बनाए रखें। दो चीज ये जो महत्वपूर्ण है, जिस पर कोई विवाद नहीं हो सकता है। करें द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो वकीलों का संगठन हैज रिटेन, देखिए हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज रिटेन, उसने लिखा है टू द सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एंड अदर जजेस, और अन्य जजेस को भी लिखा है दैट की ओपन कोर्ट हियरिंग्स, कि जो खुली अदालतों की सुनवाइयां हैं शुड बी रिस्टोर्ड एट द अर्लिएस्ट, वो जितना जल्दी से जल्दी हो सके उन्हें वापस ले आया जाए, यानी जितना जल्दी हो सके सुनवाई जो है वो क्या हो, रिस्टोर की जाए, वापस की जाए, यानी जल्दी जल्दी सुनवाई की जाए। सब्जेक्ट, लेकिन उन्होंने ये भी कहा सब्जेक्ट ऑफ कोर्स टू द लॉकडाउन एंडिंग, यानी वैसे ही जैसे ही लॉकडाउन क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, यानी जैसे ही लॉकडाउन का समय समाप्त हो जाए वैसे ही ओपन कोर्ट्स की जो हियरिंग्स हैं वो ओपन कोर्ट हियरिंग्स शुरू कर दी जाए। ऐसा किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन ने कहा। किससे कहा, सीजेआई से और अन्य जजेस से कहा। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइटिंग, साइटिंग मीन्स होता है उदाहरण देना। ठीक है, साइटिंग यानी उदाहरण देते हुए जब भी कहीं पर वाक्य के आरंभ में आईएनसी आ जाए और वो जीरण न हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, यानी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगा हो, तो फिर आप उसका अर्थ ता हुआ ते हुए निकाल लें प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में। जैसे हम कहें वॉकिंग इन द मॉर्निंग ही वॉज वेरी हैप्पी, यानी सुबह टहलते हुए वह बहुत खुश था। सीइंग द डेंजर ही रैन अवे, यानी खतरे को देखते हुए वह भाग गया या देखकर वह भाग गया। तो वैसे यहां पे साइटिंग अर्लियर जजमेंट्स, यानी पहले वाले जो पहले के कुछ निर्णय थे उनका उदाहरण देते हुए, कौन से निर्णय, ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ओपन कोर्ट हियरिंग्स, यानी साइटिंग अर्लियर जजमेंट्स ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ओपन कोर्ट हियरिंग्स, यानी ओपन कोर्ट हियरिंग्स यानी सुनवाइयां जो थी उनकी इंपॉर्टेंस पर जो जजमेंट्स आए थे, निर्णय आए थे, उनका उदाहरण देते हुए द एससीबीए यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हैज रिक्वेस्टेड, उसने ये प्रार्थना की है दैट की द यूज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो उपयोग है, प्रयोग है, शुड बी लिमिटेड, वो क्या किया जाना चाहिए, थोड़ा सीमित होना चाहिए टू द ड्यूरेशन ऑफ द करेंट क्राइसिस। कहां तक सीमित होना चाहिए, इस करेंट क्राइसिस के ड्यूरेशन तक, यानी जो वर्तमान संकट है इसी दौरान तक उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को क्या रखना चाहिए, लिमिटेड रखना चाहिए। समझ रहे हैं ना, अर्थात उनका सुझाव था या प्रार्थना थी कि इस लॉकडाउन की समय सीमा तक ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लागू किया जाए, अर्थात उसके बाद उसे लागू न किया जाए। किसने कहा था, एससीबीए ने, अर्थात सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा था। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसी है, समझ सकते हैं आप। देखें करें एंड, और उन्होंने क्या कहा, नॉट बिकम द न्यू नॉर्मल, और उन वकीलों के संगठन ने कहा कि ये कोई प्रथा नहीं बननी चाहिए, आर या गो ऑन टू रिप्लेस ओपन कोर्ट हियरिंग्स, या फिर इन्हें जारी नहीं, गो ऑन में जारी रखना, या फिर इन्हें जारी नहीं रखना चाहिए टू रिप्लेस ओपन कोर्ट हियरिंग्स, कि ये ओपन कोर्ट हियरिंग्स का क्या ले लें, स्थान ले लें। अर्थात उनका सिंपल सा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अभी सही है, ठीक है, अभी चूंकि लॉकडाउन की क्राइसिस चल रही है अभी सही है, लेकिन जैसे लॉकडाउन की क्राइसिस खत्म हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो हियरिंग्स की बात चल रही है वो खत्म कर दी जाए और ओपन कोर्ट हियरिंग्स फिर से रिस्टोर किया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। करें द एससीबीए संगठन है, देखिए इसलिए इसके पहले द लगा है, द एससीबीए आल्सो हैज अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, यानी एससीबीए की एक विशेष, स्पेसिफिक मीन्स विशेष, विशेष प्रार्थना है, क्या, दैट प्रोसीडिंग्स, वो ये है कि प्रोसीडिंग्स, ये जो
कार्यवाहियां हैं हेल्ड वर्चुअली, अर्थात विच आर हेल्ड वर्चुअली, जिन्हें कंप्यूटराइज सिस्टम के साथ होल्ड किया जा रहा है, मीन्स आयोजित किया जा रहा है, ऐसी कार्यवाहियां मे आल्सो बी स्ट्रीम्ड लाइव, उसे क्या किया जाए, लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, अर्थात उसका सजीव प्रसारण किया जाए, सो दैट ताकि एक्सेस इज नॉट लिमिटेड टू द लायर्स कंसर्न। कंसर्न मीन्स जब नाउन के बाद कंसर्न आए तो उस कंसर्न में संबंधित होता है, और जो नाउन से पहले कंसर्न आए उस कंसर्न में चिंतित होता है। जैसे आई मेट द कंसर्न फादर, मैंने फादर से पहले कंसर्न लिया तो मैं उस चिंतित पिता से मिला। और दूसरा वाक्य देखें, आई मेट द क्लर्क कंसर्न, अब क्लर्क चिंतित तो रहा नहीं होगा तो मैं संबंधित क्लर्क से मिला, ठीक है। वैसे यहां जो कंसर्न है लायर्स के बाद है, मीन संबंधित का अर्थ यहां पे है। लाइन आसान है बच्चों, देखें फिर से देख लें आप। करें द एससीपीए जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है आल्सो हैज अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, उसके एक और भी विशेष प्रार्थना है, क्या, दैट की प्रोसीडिंग्स हेल्ड वर्चुअली, वो प्रोसीडिंग्स विच आर हेल्ड वर्चुअली, वो प्रोसीडिंग्स जो कंप्यूटर के द्वारा की जा रही है, आयोजित की जा रही है, मे आल्सो बी स्ट्रीम लाइव, उन्हें स्ट्रीमिंग लाइव स्ट्रीमिंग की जाए उन्हें, सो दैट ताकि ताकि एक्सेस इज नॉट लिमिटेड टू द लायर्स कंसर्न, ताकि केवल संबंधित लायर्स तक ही उनकी पहुंचना सीमित हो, बट इज आल्सो अवेलेबल टू द लिटिगेंट्स, बल्कि वो लाइव स्ट्रीमिंग जो या कार्यवाहियां हो वो उन मुकदमे बाजों तक भी पहुंचे, एंड द पब्लिक, और पब्लिक भी उन कार्यवाहियों को क्या कर सके, लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से देख सके। समझ में आ रहा होगा आपको, देखें द पब्लिक, करें कि द कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो न्यायालय प्रशासन है, शुड रेडिली एग्री टू दिस, लेखक करें उन्हें तुरंत इसके लिए क्या हो जाना चाहिए, सहमत हो जाना चाहिए। देखिए रेडिली क्या है बच्चों, एडवर्ब ऑफ मैनर, तो देखिए एग्री यहां क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब, और शुड क्या है यहां, हेल्पिंग वर्ब है, दोनों के बीच में देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर लिया गया। और एक चीज देखें, एग्री टू लगाया गया, जब आप किसी प्रपोजल से सहमत हो तो एग्री टू का प्रयोग करें, किसी विषय पर टॉपिक पे सहमत हो तो एग्री ऑन का प्रयोग करें, और किसी व्यक्ति से सहमत हो तो एग्री विद का प्रयोग करें। जैसे आई एग्री विद माई स्टूडेंट्स, बट आई डू नॉट एग्री टू दिस प्रपोजल बिकॉज आई डू नॉट एग्री ऑन दिस टॉपिक, ऑन दिस सब्जेक्ट, ऐसे आप कर सकते हैं। देखें करें द कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन शुड रेडली एग्री टू दिस, यानी जो न्यायालय प्रशासन है उसे इसके लिए तुरंत क्या हो जाना चाहिए, सहमत हो जाना चाहिए, किसके लिए, कि जो कार्यवाहियां हो, प्रोसीडिंग्स हो, उनका लाइव स्ट्रीमिंग किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, करें एडवोकेट्स, एडवोकेट्स अपीयरिंग, तुरंत समझ जाए बच्चों, यानी हु आर अपीयरिंग, ठीक है। अगर ये वर्ब होती ना, इसके पहले इज एम आर वाज वर्ब होता, हैज बीन हैव बीन नहीं है, इसका मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी जो अपीयर हो रहे, अर्थात हु आर अपीयरिंग, तो एडवोकेट्स वो वकील हु आर अपीयरिंग इन अ पर्टिकुलर केस, जो किसी विशेष मामले में अपीयर हो रहे हो, उपस्थित हो रहे हो, वो एडवोकेट्स आर, देखिए आर है ना एडवोकेट्स के अनुसार, वो एडवोकेट्स आर नाउ बार्ड, उन्हें क्या कर दिया गया है, रोक दिया गया है उन्हें फ्रॉम, जब भी बार का प्रयोग करें फ्रॉम लेने उसके साथ, और फ्रॉम के साथ वर्ब प्लस आईएनजी, किसी भी प्रीपोजिशन के साथ हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी ले बच्चों। करें एडवोकेट्स, वो एडवोकेट्स हु आर अपियरिंग इन अ पर्टिकुलर केस, जो किसी विशेष मामले में अपियर हो रहे हैं, आर नाउ बार्ड फ्रॉम शेयरिंग द पासवर्ड्स, उन्हें पासवर्ड शेयर करने से रोक दिया गया है, गिवन टू देम, अर्थात पासवर्ड्स विच आर गिवन टू देम, जो पासवर्ड्स उन्हें दिए गए हैं टू ज्वाइन द प्रोसीडिंग्स, उन कार्यवाहियों को ज्वाइन करने के लिए थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, किसके द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा, अर्थात वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा उन्हें उन कार्यवाहियों में शामिल होने के लिए जो पासवर्ड्स दिए गए हैं उसे शेयर करने से भी उन्हें क्या कर दिया गया है, रोक दिया गया, कि नहीं,
एडवोकेट्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थोड़ा सा बचा है, देख ले। ये है करें वाइल एक तरफ इट इज थियोरेटिकली पॉसिबल फॉर द पार्टीज, यानी पार्टीज के लिए सैद्धांतिक रूप से संभव है टू ज्वाइन, क्या होना, शामिल होना, देयर लायर्स, किनके साथ, अपने लायर्स के साथ, ड्यूरिंग द हियरिंग, किसके दौरान, सुनवाई के दौरान। लेकिन दूसरी तरफ इन प्रैक्टिस यानी वास्तव में क्या हो रहा है, प्रथा में क्या हो रहा है, दे मे बी अनेबल टू ट्रेवल टू देयर ऑफिसेस, हो सकता है कि वो अपने ऑफिसेस तक ट्रेवल न कर सके। यानी एक तरफ ये हो रहा है कि लायर्स को वो ज्वाइन कर सकते हैं लेकिन वो उनकी ऑफिसेस यानी ऑफिसेस में नहीं जा सकते हैं। मीडिया एक्सेस इज आल्सो लिमिटेड, यानी जो मीडिया की पहुंच है उसे भी क्या कर दिया गया है, उस पहुंच को भी लिमिटेड कर दिया गया, सीमित कर दिया गया है। दीस इश्यूज, ये जो मुद्दे हैं, कैन बी रिजॉल्व्ड, पैसिव वॉइस है, इन्हें हल किया जा सकता है थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग, किसके द्वारा, सजीव प्रसारण के द्वारा। समझ रहे होंगे बच्चों आप। एंड और देखिए, जिन लोग लगता है कि एंड से वाक्य शुरू नहीं होता है, देखिए यहां पे है एंड और इन द लॉन्गर टर्म, और एक अगर हम बड़े मसले पे देखें यानी अगर बड़े परिदृश्य में देखें तो इट शुड बिकम, देखिए शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट शुड बिकम द जनरल प्रैक्टिस, इसे एक सामान्य प्रथा बना देनी चाहिए, ठीक है। एज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज स्टेप्ड अप, चूंकि टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है इज स्टेप्ड अप, बहुत आगे बढ़ चुका है, इसलिए कोर्स शुड कंसिडर, इसलिए कोर्स को आप विचार करना चाहिए अदर स्टेप्स, अन्य स्टेप्स पर, अन्य कदमों पर, दैट विल, ये दैट यहां प्रोनाउन है, दैट विल स्पीड अप द ज्यूडिशियल प्रोसेस, स्पीड अप याद है, जो उस न्यायिक प्रक्रिया को क्या कर सके, गति प्रदान कर सके, तेजी दे सके, एंड और रिड्यूस कोर्ट रूम क्राउडिंग, और इससे एक फायदा भी होगा कि कोर्ट में जो क्राउडिंग होती, भीड़ भाड़ होती, वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूस मीन्स कम करना, कम हो जाना। बहुत बड़ी लाइन में, चलिए लास्ट लाइन है आपकी, करें इन द लोअर कोर्ट्स, यानी जो निचली अदालतें होती हैं, एविडेंस कुड बी रिकॉर्डेड, उसमें एविडेंस को रिकॉर्ड कर लिया जाए विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज, यानी जो पक्ष है उनकी कंसेंट लेकर, मीन्स उनकी सहमति लेकर के, बाय वर्चुअल मीन्स, और वो रिकॉर्ड कैसे किया जाए, कंप्यूटराइज्ड करके, ठीक। इन द हायर कोर्ट्स, और दूसरी तरफ जो उच्च अदालतें हैं, अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम विच इज या विच मे बी बेस्ड ऑन एडवांस सबमिशन, जो एक एडवांस सबमिशन यानी एक अग्रिम तरीके के आवेदन पर बेस्ड हो, आधारित हो, ऑफ रिटन ब्रीफ्स, जिनमें रिटन लिखित जो मसले हो, एंड और एलोकेशन ऑफ टाइम स्लॉट्स, और जो टाइम स्लॉट्स हैं उनका एलोकेशन अर्थात उनका निर्धारण हो, उनका आवंटन हो, फॉर ओरल आर्ग्यूमेंट्स, किनके लिए, मौखिक तर्क वितर्क के लिए, कैन बी ऐसा। अब यहां देखिए कहां भी, यहां पे था ये लाइन आपकी थी, यहां से, इन द हायर कोर्ट्स और सिस्टम, उस तरीके का सिस्टम जो है, कैन बी पुट इन प्लेस, इसे अस्तित्व में लाया जा सकता है, अर्थात इसे स्थापित किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। चलिए बच्चों देखिए आगे, और ये लास्ट लाइनें आपकी हैं, इट मे इवन लीड टू मोर कंसाइज जजमेंट्स, यहां तक कि ये शायद हमें किस तरफ लेकर के जाए, लीड करे, लीड टू का देखिए प्रयोग है, किस तरफ ले जाए हमें, मोर कंसाइज जजमेंट्स, यानी और अधिक संक्षिप्त निर्णयों की तरफ ले जाए, ठीक है। डिस्पाइट के बाद देखिए कोई ऑफ नहीं लगा है, डिस्पाइट द पॉसिबिलिटी ऑफ टेक्निकल एंड कनेक्टिविटी इशूज, यानी
पॉसिबिलिटी ऑफ टेक्निकल एंड कनेक्टिविटी इशूज, यानी तकनीकी और जो कनेक्टिविटी यानी जो जोड़ने की वो इशूज है, यानी कनेक्शन के जो इशूज हैं, मुद्दे हैं, इन इनकी पॉसिबिलिटी के बावजूद, लाइन फिर से देख लें आप, डिस्पाइट द पॉसिबिलिटी ऑफ, यानी इस संभावना के बावजूद, कौन सी संभावना, ऑफ टेक्निकल एंड कनेक्टिविटी इशूज, कि कुछ तकनीकी खामियां आ सकती हैं, इशूज मसले आ सकते हैं, कुछ कनेक्टिविटी के इशूज आ सकते हैं, यानी कनेक्शन की प्रॉब्लम आ सकती है, अफेक्टिंग द प्रोसेस, जो इस प्रक्रिया को क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है, मीन्स प्रभावित कर सकती है, फिर भी वन मस्ट रिकॉग्नाइज, एक व्यक्ति को ये स्वीकार करना करना चाहिए दैट की वर्चुअल हियरिंग्स, ये जो कंप्यूटराइज्ड सुनवाइयां हैं, आर नो डिफरेंट, ये अलग नहीं है फ्रॉम ओपन कोर्ट कन्वर्सेशन, किनसे, खुली अदालतों की बातचीत से, प्रोवाइडेड, यहां प्रोवाइडेड मीन्स शर्त ये है कि एक्सेस इज नॉट लिमिटेड, कि एक्सेस सबको मिले, यानी एक्सेस वकीलों को भी मिले, एक्सेस उनके लिटिगेंट्स को भी मिले, एक्सेस मीडिया को भी मिले, तो ये वर्चुअल हियरिंग्स जो है आर नो डिफरेंट फ्रॉम ओपन कोर्ट कन्वर्सेशन, तो उनसे अलग नहीं है, ठीक है। और ये बिल्कुल लास्ट लाइन आपकी है, द अपॉर्चुनिटी, यानी ये जो अवसर है नाउ, इस समय, टू इंप्रूव द जुडिशियल प्रोसेस, जिसके द्वारा हम न्यायिक प्रक्रिया को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, उसे सुधार सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटी मस्ट बी यूटिलाइज्ड वेल, पैसिव वॉइस है, उस अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरह से हमें उपयोग में ले आना चाहिए, ठीक है। मैं जानता हूं थोड़ा सा मैंने फास्ट पढ़ा है, लेकिन आप समझ सकते हैं, इसे दोबारा पढ़िएगा, दो बार तीन बार पढ़िए, पढ़ना सीखें बच्चों आप, ठीक है। मेरी गुजारिश आपसे, रिक्वेस्ट है कि आप इसे पढ़ें, ताकि इन पर आपका कमांड बढ़ता जाए। एक्चुअली मेरी होंठ वगैरह थोड़े सूख जा रहे हैं, क्योंकि सुबह से इसी में सब लगे लगे पूरा, और अभी रात में मैं इस समय कर रहा हूं, क्योंकि दोपहर को मैं आया तो वो एक्सरसाइज वगैरह सारा वीडियो करना था, फिर 6 से 7 और फिर 7 से 8 मैं आपके सामने उसमें प्रीमियर में था, जवाब वगैरह दे रहा था, उस समय मैं ये बना नहीं सकता था, इसलिए मैं इस समय रात में ये बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि कल यानी आज सुबह ये आपको मिल सके। चलिए, जो दिक्कतें हो मेरे से शेयर करें बच्चों, कभी भी आप हमेशा याद रखें, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, कोई भी बड़ा काम बच्चों एक दिन में नहीं हो जाता, ये आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं जो किसी भी लिहाज से कठिन है, लेकिन अगर आप मेरे साथ धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे ना, तो आपको आ जाएगा 50-60% आपको समझ में आता होगा, 70% तक कुछ बच्चों को समझ में आता होगा, ये प्लस पॉइंट है, इससे आपको चीजें और बेहतर बनेंगे। शाम को इसके एक्सरसाइज में करा दिया करूंगा, और मेरा टेलीग्राम का चैनल है, उस पर एक्सरसाइज क्विज के रूप में भी दी जा रही, राजू की सहायता से, जो एक बहुत बढ़िया तरीके से उस क्विज को उन्होंने बनाया हुआ है, जिसका आप लाभ ले सकते हैं, मैंने वहां पे आपको दे दिया, सुपर 60 संतोष सर के नाम से मेरा चैनल है, जिसका लिंक मैं आप फेसबुक वगैरह पे शेयर कर दूंगा, जहां से आप सीधे वहां जा करके इस सारी वीडियोस और सारी पीडीएफ्स वगैरह क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं, ठीक है। तो शाम को मिलते हैं 6 से 7, थैंक यू।